चला गया छोड़ के, वो कभी लौट के नहीं आता है। ना भी रोए चीखे चिल्लाए कोई वापस नहीं आता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता बगिया, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 9 बजे से, और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है जाने की, मतलब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही बोला करके, ऐसे बिना रेडी सेडी हुई है क्योंकि कपड़े मैंने वही पहन रखे जो मेरे घर में पहने रहते हैं, बाद बाकी स्वेटर डाली मैंने एक नया, और मेरे साथ जा रहे हैं देवर जी और हम दोनों जा रहे हैं, और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी, मतलब मंदार की साइड जाने की तैयारी हो रही है हमारे, क्योंकि बहुत एक तरफ से दुख की बात भी है, एक तरफ ऐसी भी है कि बोला करके जो हो गया सो हो गया, एक तरफ से ऐसा भी है करके, क्योंकि कल ना मेरी दादी जी गुजरी, और दादी जी मतलब कि मेरे जैसे कि हमारे दादाजी हो ना, 3 भाई थे और तीनों भाई तो कब के गुजर गए हैं, और एक दादाजी सबसे छोटे वाले मेरे पिछले बार गुजरे, और इस बार ना हमारी दादी जी गुजर गई हैं जो सबसे बड़ी वाली है, क्योंकि मेरी दादी और ना 3 देवरानी जेठानी है, तो जो सबसे बड़ी वाली दादी हमारी और वो गुजरी है कल। तो एक तरफ से तो ऐसा भी है कि मतलब कि ऐसे झेलने से अच्छा है कि मृत्यु हो गए, झेलने से अच्छा ये है कि मतलब तबीयत ख़राब रहती थी ऐसे करके वैसे करके, तो अच्छा ये है कि सब कुछ देख लिए उन्होंने, जैसे कि नाती नातियों के बच्चे ऐसे सब कुछ देख दिए हैं, और साल भी मतलब उनको ना ज़्यादा ही थे, मतलब 75-80 साल के थे। होता है क्योंकि कोई जो मर जाता है एक बार लौट के नहीं आता है, दुख भी होता ही है, लेकिन क्या करें, कुछ भी होती है कि बोला सबको, मतलब सबको देखकर और सबसे आगे खुद ही चले गए, तो खुशी इस बात की है, और बाद बाकी तो इंसान तो लौट के नहीं आता है। फिर मैंने सोचा, पहले तो मैंने बोला ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, फिर मैंने बोला कि ब्लॉग भी शूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे कि मैं जा रही हूँ और मन तो किसी का नहीं होता ब्लॉगिंग करने का, लेकिन फिर भी मैं इसलिए ब्लॉगिंग करती हूँ कि जैसे कि मैं जा रही हूँ और ये मतलब कभी मेरे को ऐसा रहेगा कि हाँ उस दिन मेरी दादी गुजरी थी और उस बार गुजरी थी और ये करके रहता है, तो इसलिए ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। तो चलिए जी चलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव सोच वाले ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, वो तो होंगे ही, मतलब वो तो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, और जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं ना वो कुछ भी बोलेंगे, और बोलेंगे कि तू वहाँ ऐसे करने जा रही वैसे करने जा रही कि ब्लॉगिंग करने जा रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस ब्लॉगिंग करना ये है कि जो हम मतलब तो जहाँ कहीं हम जाते हैं उसे हम आप लोगों को दिखाते हैं, और क्योंकि मेरी मेमोरी पे भी ये रहता है कि हाँ भाई मेरी फ़ोन पे मेरे यूट्यूब पे हमेशा ये यादगार रहेगी कि उस दिन मेरी दादी की मृत्यु हुई थी और उस दिन मैं वहाँ गई थी, ये करके होता है। बाद बाकी चलते हैं आगे, और जितना हो सकेगा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी मैं, और मेरे साथ जा रहे हैं देवर जी, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि वैसे मेरे को लगता है कि वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा मतलब कर पाऊँगी क्या, ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाऊँगी ये करके हैं। तो जितना हो सके आप लोग ब्लॉग पे जुड़े रहिएगा जी, और चलते हैं आगे आगे और देखते हैं कैसा कैसा होता है, क्योंकि होता है ना हमारे पहाड़ में ऐसे ही होता है, जैसे कि नातिन और जैसे कि बेटियाँ ऐसे करके, जैसे कि मैं उनकी नातिन हूँ, तो हमारे पहाड़ में बोलते हैं कि रोने आना ही आना है, जैसे कि थोड़ा बहुत रोने चाहे हो जवान हो या बूढ़े हो, रोने आना ही आना है करके, तो इसीलिए हम भी जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहते हैं थोड़ा ही बहुत रहते हैं, जाना है और सीधा आना है ये करके होता है, ना ही किसी को नवाजते करना होता है ना कुछ करना होता है। तो चलिए जी चलते हैं। कि जितना हो सकेगा देवर जी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मैं फ़ोन ना देवर जी के पास दूंगी, और देवर जी ना ऊपर ही रहेंगे हमारे घर में, ताकि मतलब मेरी मम्मी और का घर है, वैसे तो दादी जी वहीं पर रहती थी जहाँ कि हमारा घर है, लेकिन गुजरे वो नीचे अपने बेटे और के घर में है, मतलब जिन उनके बड़े बेटे हैं ना वहाँ रहते हैं ना वहीं नीचे, तो वहीं गुजरे हैं, तो वैसे हमारे घर के ही हुए।
अंदाज से मैं आ गई 11:30 बजे की करबन, और उसके बाद मैंने थोड़ा साग वगैरह बनाया, और उसके बाद मुठियाँ दी मार करने की, तो मुठियाँ किए। और रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना ही मैं वहाँ पे बना पाई और ना ही रास्ते में बना पाई, क्योंकि ऐसा होता है ना, मम्मी ने बोला था ना वहाँ पे वीडियो मत बना रास्ते में, आते टाइम जाते टाइम तो मैंने बना ली थी बाबा के आते टाइम, मेरी मम्मी ने मना किया कि वीडियो मत बनाना जाते टाइम, क्योंकि होता ना आजकल धूप तो आज ही लग रही है वैसे, और आज ना बहुत तेज वाली धूप थी, तो इसलिए मम्मी ने बोला दिन दोपहर, क्योंकि हमारे पहाड़ में ये बोलते ना, तो दिन दोपहर मतलब जब ज़्यादा तेज धूप लगी हो, और उसके बाद उसके बाद हमारे पहाड़ में ऐसे बोलते हैं कि जैसे दिन दोपहर होता है, तो हमारी घरवाली भाषा में उसे दिन दोपहर बोलते होता है, हमारे पहाड़ में छल वगैरह का डर होता है, वैसे होना तो वो ये है जो नसीब में होगा, लेकिन मम्मी ने मना किया था जाते मतलब जब मैं आई थी इधर को मॉर्निंग में, तो बनाई थी मैंने क्योंकि उस टाइम तो उतना नहीं होता, ज़्यादा सवेरा नहीं होता है, और ज़्यादा सवेरे में भी बोलते हैं हमारे यहाँ, और जैसे दिन में बोलते हैं दिन में भी, जब होता तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम भी बना नहीं करती थी, लेकिन आज मैं जब उसी काम से गई थी तो इसलिए बोला था, तो ऐसे करके है ना, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग बना पाई ना कुछ, क्योंकि होता है ना जहाँ पर मतलब कि कोई गुजरा होता है वहाँ पर कुछ भी बनाने का करने का मन नहीं करता है, वैसे तो बुज़ुर्ग लोग थी मेरी दादी, लेकिन फिर भी होता है मर के इंसान वापस नहीं आता है, तो इसलिए रोना भी आता ही है हर किसी को, तो क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादा रोते चीखते चिल्लाते हैं ना, ऐसे करके होता है ना, मतलब जो ज़्यादा बूढ़ा रहता है ना इंसान, तो जैसे वो गुजर गए ना, तो उसके बाद जैसे कि ज़्यादा रोते हैं तो रोने नहीं देते, हमारे पहाड़ में ही होता है कि बोलते हैं कि अच्छा हुआ मर गए, अच्छा मतलब ये है कि उन्होंने बोला करके सब कुछ देख दिया, भगवान हो गया बोला हो, जो उनकी दे दी हो गई, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, और जो हो गया सो हो गया, और जो मतलब चला गया छोड़ के वो कभी लौट के नहीं आता है, ऐसे करके है। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का होता है कि चला गया बोला करके, मौत का तो होता ही है दुख, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कितना भी रोए चीखे चिल्लाए कोई वापस नहीं आता है, ऐसे करके होता है, भगवान हो गया ऐसे करके बोलते हैं, तो कुछ इसी तरह से मेरी दादी जी भी गए हैं, नाती और नाती के बच्चे देख के सबको देख के गए हैं, तो एक किस्म से ऐसा होता है चलो ठीक ही हुआ, तबीयत जब ख़राब रहती है ना तो ऐसा लगता है कि बोला कि भुगतने से बढ़िया तो मरना ही ठीक है, ये करके है, तो बस मेरे हम इतने चाहते हैं कि मेरी दादी की आत्मा को शांति मिले बस, और क्या बोलना है दोस्तों, तो चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं अनीता वग्याल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय।